आज मैंने देखा है कि बहुत न्यूज़पेपर, स्पेशली अगरतला बेस्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में गलत कहानी छाप रहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, या फिर इन्होंने छपाया है कि मैंने कहा है कि मुझसे गलती हुई कि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सबसे पहले मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था, क्योंकि मैं अगरतला बेस्ड न्यूज़पेपर्स को क्लैरिफाई करना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको शायद या फिर मेरा सोच अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता, या फिर वो तिब्रासा का माइंडसेट नहीं समझता। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर तिब्रासा तिब्रासा को अटैक करे तो नुकसान तिब्रासा का होता है, और यहाँ में अगर हमने गलती की है लोकसभा में एक दूसरे को अटैक करके, तिब्रासा ने तिब्रासा को अटैक किया, तो वो मुझसे भी गलती हुई, उनसे भी गलती हुई, नुकसान हमारा दफा का हुआ और फ़ायदा बाहर के लोगों को, ये मैंने कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा माइंडसेट, मेरा आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। मैं तिब्रासा हूँ, और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे दफा के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेगा, मैं उन्हीं के संग बात करूँगा। जो मेरे संग और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेगा, मेरे तिब्रासा दफा के बारे नहीं सोचेगा, मैं उनके संग वार्तालाप नहीं करूँगा। दूसरा है, आप लोग हमेशा एक दो लाइन को इधर उधर से लेकर कहानी बनाना चाहते हैं। पहले आप 71 इयर्स में आपने पहाड़ में जाकर हमारा माइंडसेट समझा नहीं, एक बार समझ लीजिए तब कहानी बनाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने सबके सामने ओपनली कहा कि त्रिपुरा का बाउंड्री मिजोरम के संग कम नहीं होगा। मैंने ओपनली कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि ब्रू का रिपैट्रिएशन आप शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम चला गया। मैंने ओपनली कहा कि पिछला प्रशासन ने क्यों सूर्यसेन और खुदीराम का बोस का स्टैचू पैलेस के बाहर रखा था, क्योंकि वो हमारा इतिहास बदलना चाहता था। आज जब जेडी मंडल लिखता है हमारे त्रिपुरा के इतिहास के बारे, वो भी हमारा इतिहास को बदलना चाहता है। मैं उस प्रोग्राम में ना कि पॉलिटिशियन के जैसे गए, ना कि कोई संगठन से लीडर बन के गया। ये एक पूजा का प्रोग्राम था, मुझे निमंत्रण दिया गया। शायद 71 इयर्स में किसी गवर्नमेंट ने निमंत्रण नहीं दिया, इस गवर्नमेंट ने निमंत्रण दिया, मैं गया, नॉन पॉलिटिकली बन के गया। और मैंने वहाँ एक बुबागरा, क्योंकि वहाँ में हौदा था, कास्को था, चांताई था, चौधरी था, हमारे डिफरेंट कम्युनिटी के लीडर्स थे, मैं क्षत्रिय समाज था, तो मैंने वहाँ में एक बुबागरा के हिसाब से नॉन पॉलिटिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब अगर आपको लगता है कि मैं वही घिसा पिटा हुआ पुराना पॉलिटिक्स करूँ जहाँ में सिर्फ राजनीति ही किया जाता है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोयला जाति उलो पार्टी। मैंने कहा क्योंकि 70 साल से हमने पार्टी को आगे रखा है और दफा को आगे नहीं, इसके लिए आज हम बटे हुए हैं। ये आज की गवर्नमेंट में भी लागू है, पिछले गवर्नमेंट में भी लागू है। मैंने अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं उनको समझाने का कोशिश भी नहीं करूँगा, क्योंकि देयर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी। आई एम नॉट एन इनसिक्योर पर्सन। एनी वन हु अग्रीज विथ माई आइडियोलॉजी आई विल गो एंड आई विल टॉक टू देम। एनी वन हु डिसएग्रीज, जैसे कि मेरा केस CAA में, NRC में आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आज भी मैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ूंगा निजी तौर में। मेरा केस आज भी, नीर महल का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि मेरा फाइट इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। तो मैं अपने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन आज से पहले कितने लीडर्स हैं जिसने एक ही मंच में, जहां मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, हदा ओकरा हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा? कितने लोगों का हिम्मत पड़ता है कि सच बोलने के लिए? मैंने सच बोला है, अगर लोगों को पसंद नहीं आता तो मैं क्या करूं? आखिरी बात, सब कहते कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये हमारा अपब्रिंगिंग है। आज तक मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ एक शब्द पर्सनल अटैक नहीं किया। आज तक मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया। पर्सनल अटैक तो मेरे ऊपर हुआ है, जब एक एक्स MP बोलता है कि
मैं ये लैंग्वेज नहीं जानता हूँ या फिर मेरे माँ बाप या मेरे दादा के ऊपर अटैक होता है। मैंने आज तक राहुल जी या सोनिया जी के ऊपर अटैक नहीं किया, मैंने आज तक किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया। तो जब मैं कल प्रोग्राम में गया, ये हमारा अपब्रिंगिंग है, ये हमारा सभ्यता है कि जब किसी से मिले तो आपको हम्बल रहना चाहिए। आई एम अ हम्बल मैन, तो मैंने ह्यूमिलिटी से नमस्ते किया, सबको किया। इसमें मैं छोटा नहीं हुआ, जो लोग नहीं समझ सके वही छोटे इंसान। ह्यूमिलिटी मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड थंसा इज व्हाट आई वांट। व्हेन आई गो एंड आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ माय दोपा, व्हेन आई गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द होदा, इन फ्रंट ऑफ द कास्को, इन फ्रंट ऑफ द क्षत्रिय समाज, इन फ्रंट ऑफ द सीनियर्स, आई अपील फॉर यूनिटी। मैंने यही कहा कि आज तक नेता लोग ने हमारे सोसाइटी को चलाया है, अब टाइम आया है कि हमारा सोसाइटी नेता को चलाए, क्योंकि जिस सोसाइटी में नेता सोसाइटी से बड़ा बन जाता है वो सोसाइटी हमेशा दबा हुआ रहता है। मैंने यही बात कहा है और आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कल आप नहीं समझे तो आप कभी भी नहीं समझेंगे, तभी भी जो ना समझ है मैंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है। प्रद्योत विक्रम माणिक्य इज एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सन और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। मैं दिल्ली या फिर चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का इंस्ट्रक्शंस लेने वाला नहीं हूँ। दिल्ली में कोई भी बैठा हो या फिर सीपीएम का आइडियोलॉजी कोई भी हो, मैं अपना तिप्रासा का आइडियोलॉजी आगे रखता हूँ और मैं अपने लाइन से ही चलता हूँ। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद, खुलूम खान।